बताइए, इसको भी, इसको भी ऑन कर देते हैं यहाँ पे। चलो यार करें, मुझे तो से बात करनी थी। किस तरह हम कहाँ मिले हैं पहले? किसके वजह से भैया, हम कहाँ मिले हैं पहले? हम पहले तो इस पे मिले आपके, आपकी फिल्म पे डिब्बा में, उसका इंटरव्यू के डिब्बा में। अच्छा, पद्मावती। अच्छा, इंटरव्यू के लिए। देन उसके बाद सेट पे भी आते रहते हैं। आपका नाम? अरुण। मेरे लिए ना कब छोड़ेगा यार, क्या दुश्मनी है इसको मुझसे? कहाँ लेता हूँ यार दीदी, इससे पूछ ले। I'm not saying anything. तू आजकल not saying anything तेरा pet word हो गया है, मैं देख रहा हूँ। सीख गई है ना? I'm politically correct. I don't want controversies. I wish we were important enough to make any. ये English में चाहिए, हिंदी में चाहिए आपको? English. English. Thank you. नहीं 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 सर। बताएं। जी 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 बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन लश्तम पश्तम के लिए। थैंक यू। ट्रेलर देखा आप लोगों ने, कितना मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है? यस यस यस, 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है बिल्कुल। हां, क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से कोई भी पिक्चर आती है उसका ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आता है? तो बहुत बढ़िया फीलिंग होती है यार मेरे लिए तो, आई एम श्योर सबके लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, वेरी ग्रेट फीलिंग। यू नो, जब सुबह सुबह ट्रेलर आया था 11 बजे, सो वी वर लाइक कि क्या होगा, और जब रात तक पता चला कि 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं इन लेस देन 24 आवर्स, वी वर लाइक क्या हो गया। सो या, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, वेरी ग्रेट फीलिंग यार, लार्जर देन लाइफ फीलिंग। Of course, when the trailer comes out, you're really nervous ki pehli baar log dekhenge what you're trying to show. But I'm very happy that people liked it, and a lot of good comments. People wrote such nice things. Of course, there are good things and bad things, people talk both. But logon ne dekha, and I hope jis tarah se unhone trailer ko dekha and they appreciated it, I hope they go and watch the film also, which is releasing on the 10th of August. Absolutely, मतलब मैं इशिता और समर से बिल्कुल सहमत हूँ, एंड कहते हैं कि ट्रेलर इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट एसेट ऑफ योर फिल्म। अगर ट्रेलर पसंद आया तो मतलब यू कैन बी वेरी होपफुल, यू नो थिंग्स आर लुकिंग अप। नई पिक्चर है तो हमें सबके प्यार और सबके सपोर्ट की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो अगर उन्होंने ट्रेलर को इतना प्यार दिया तो हम आशा करते हैं फिल्म को भी उतना ही देंगे। डबल ट्रिपल प्यार देंगे लोग। थैंक यू सो मच। एंड ये फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का नाम की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट है। तो ये इस फिल्म का नाम जो है पहले कुछ अलग रखा जाने वाला था, लेकिन अलग उसकी ये भी एक अलग कहानी जी बताएगी, तो अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहें। जी, आई थिंक पहले मूवी का नाम दरमिया था, हम वो रखने वाले थे, एंड देन लेटर ये गाना शूट हुआ। गाना शूट हुआ लश्तम पश्तम, एंड आई थिंक मानव सर एंड दे रियली लाइक द नेम, एंड देन दे थॉट कि यू नो व्हाई नॉट, यू नो इसी को हम नाम रखते हैं। एंड व्हेन आई पर्सनली आई वुड से व्हेन आई हर्ड द नेम, आई फाउंड इट, दरमिया वाज आल्सो नाइस, बट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दैट्स द सी आई थिंक टुडे फिल्म इज ऑल अबाउट मार्केटिंग प्रमोशन, एंड आई फेल दैट दिस वॉज समथिंग विच इवन आई वॉज लाइक, अच्छा इसका मतलब क्या है? देयर इज अ सर्टन क्यूरियोसिटी जो मुझे फील हुआ। सो आई न्यू दैट पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू बी एक्साइटेड टू नो कि वॉट इज दिस, वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ लश्तम पश्तम। एंड दैट हैपेंड वैन वी स्टार्टेड प्रमोटिंग द फिल्म, एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट, लश्तम पश्तम इज अ मूवी दैट्स कमिंग आउट, एंड आई गॉट सो मेनी यू नो ऑन माई फेसबुक, ऑन माई इंस्टा, द पीपल आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी वॉट इज दिस, वॉट इज दिस। तो या आई थिंक इट वॉज, इट्स नाइस, एंड इट्स अ डिफरेंट कंटेम्प्रेरी यंग फन नेम। मैं वही कहना चाहूंगा कि लश्तम पश्तम का कोई एक मतलब नहीं है, इसके अनेक मतलब है, और जैसे आप ये फिल्म देखेंगे, जैसे हमारे डायरेक्टर जी कहते हैं कि हर एक के लिए एक डिफरेंट मतलब होगा। किसके लिए मतलब होगा इट्स द ब्रदरहुड, किसके लिए मतलब होगा फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, बट उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर बात यहीं खत्म हो जाएगी। So yeah, I mean, with this film, we are celebrating a universal brotherhood, not just between India and Pakistan, but across the borders, across the world, brotherhood, friendship, love. I think hum aaj ki date mein hum sabko is cheez ki bahut zyada zarurat hai. So
we are doing that, and not in a very preachy way, in a very entertaining way, in a very dramatic way. So yeah. ब्रदरहुड भाईचारा दोस्ती बहुत कुछ देखने को मिलेगा सर, बाकी ये बताएंगे आपको. बकायदा बिल्कुल एक ब्रदरहुड तो हमने देखा था पद्मावती में. नहीं वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा. वो ब्रदरहुड से ज्यादा चाचा भतीजे का प्यार था, उनको चाचा जान बोलता था. ये बिल्कुल अलग तरीके का रिश्ता है. यहाँ पे बेहद प्यार है, बेहद दोस्ती है एक दूसरे के लिए. बहुत ही ज़्यादा मतलब हम दोनों बचपन के दोस्त हैं इस फिल्म में, तो कहानी वहाँ से शुरू होती है कि बचपन की दोस्ती, फिर आगे आगे जाके हमारे बीच में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. बट जो प्यार है और जो इज्जत हमारे यू नो एक दूसरे के लिए जो दिल में है वो बरकरार रहता है चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों. एंड जैसा कि समर ने कहा, लश्तम पश्तम भी वो एक फिनोमेना है जो हमारे डायरेक्टर कहते हैं, एक सोच है कि अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं तो ये चीज़ें जैसे सरहद यू नो सीमाएं ये सब नाप तोल के दोस्ती नहीं की जाती, नाप तोल के यू नो रिश्ते नहीं बनाए जाते, फिर वो व्यापार हो गया. दोस्ती की है, दिल से की है, उसे निभाते रहिए. छोटी मोटी चीज़ों पे गौर नहीं फरमाना चाहिए. और आई थिंक दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो ज़िंदगी भर रहता है किसी के बीच में हो. आई थिंक इफ यू आर बेस्ट फ्रेंड्स विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर मॉम और विद एनीवन हु इज़ क्लोज इन योर लाइफ, I think that can go on forever and ever. So yeah. Okay, तो इशिता जी कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में अगर आप हमें बता सकें. जी, मेरे कैरेक्टर का नाम ज़ैना है एंड एक सेकंड 5 मिनट में कॉल करता हूँ. ब्रो एम आई एम इज अ मैन. कैप्टन इसको एयरप्लेन में डाल दे. हां जी, तो मेरे कैरेक्टर का नाम ज़ैना है. शी इज अ सिंगल, यस इट्स अ वेरी नाइस नेम एंड शी इज अ सिंगल मदर. शी लिव्स इन दुबई. And this is the first time I'm playing a character like this. And jo mujhe acha laga is character ke bare mein, which was very unique, is that she is someone who really doesn't like her life. Wo khush nahi hai apne life se, bahut regrets hai, but she's still living because you have to still get up, you have to still work, you have a child, you have to take care of your kid. But normal interaction jab uska logo se hota hai, especially with Sid, she's very bahut karwahat hai uske andar, and it constantly is coming out. So when you see the movie, you'll know why and what is the situation that she's in. But when she meets it, dheere dheere, you know, wo change hota hai. And there's a change in her nature and her life changes. And then again something happens and she takes 5 steps back. So it is her struggle with herself and with her situation. And that is what Zaina's character is. And I thought it was very nice. It was very challenging for me to do something like this because ek balance maintain karna tha. It couldn't be over, it couldn't be under. And for that, I think I give credit to Manav sir because he knew exactly what he wanted. I'm very glad before the movie started we all of us sat down and we did a lot of workshops and you know we spoke about the character. Sometimes hum workshop hi nahi, we used to just talk about it ki acha aisa hoga waisa hoga. So I gave my inputs when I thought ki nahi, I think I would play it like this, and he would be like, okay, but I think you should do this. So eventually we made Zaina, and she's going to be alive and people are going to see it. So I'm really excited for the 10th of August. And jab aapko batane ki I remember the first time I met them, मैं ऑफिस में गई और ये लोग बीन बैग के ऊपर आराम से लेट के वेरी चिल्ड आउट, दे वर रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड आई थिंक वेरी द सेम डे इटसेल्फ वी बिकेम फ्रेंड्स. वी वर टॉकिंग एंड वी वेंट फॉर डिनर एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक एक दो हफ्ते तक हमने you know we did the workshop and then we started shooting also na साथ में. I think it was very important to have a chemistry between all 3 of us. आप सेट पे सिर्फ अपने स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हो, बट ऑफ सेट आप बहुत सारी यू नो आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो ताकि जब आप काम करो साथ में तो लगे ना कि आप काम कर रहे हो. इट शुड कम वेरी नेचुरली टू अस, व्हिच आई थिंक इट डिड. व्हिच इट डिड, व्हिच इट डिड. वी हैड अ ब्लास्ट, वी रियली एंजॉयड शूटिंग फॉर दिस फिल्म. हमने बहुत मेहनत की है बट हमने एंजॉय भी किया है एंड आई थिंक दैट ट्रांसलेट्स ऑन स्क्रीन. या ओके, शीता एंड अभिनव की ये इनकी जो है पहली फिल्म है, तो लेकिन दैट ऑल्सो इन अ वेरी गुड वे. आई थिंक दे हैव रियली हेल्प मी. अगर आप सी देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आपका दोस्त है तो आप मजाक भी करते हो, बट वो मजाक भी आपके कभी कभी आपको फायदा कर जाता है. सो या दे यूज टू टीज मी बट इन अ वेरी नाइस, इन अ वेरी लविंग वे एंड दे रियली हेल्प मी यार, बोथ ऑफ देम यार.
तो आई एम श्योर ही कैन आंसर बेटर फॉर दैट. जहाँ तक मुझे याद है उल्टा ये मेरी फिरकी लेते थे. जहाँ तक मुझे याद है ये मेरी फिरकी लेते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, बट ये भी उनका प्यार है, उनका भाईचारा है. ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, इतने सेंटी में तो भाई ज्यादा हो रहा है, कैमरे के सामने ज्यादा हो रहा है भाई. तो हाँ मतलब बहुत मजा आया सेट पे, और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी नए हैं, तो वो भी बहुत यू नो द कल्चर ऑफ द सेट कम्स फ्रॉम यू नो राइट अप. जब वो सेट का माहौल बहुत लाइट रखते थे, बहुत मज़ेदार रखते थे, तो सबके बीच बहुत यू नो प्यार और दोस्ती थी, मज़ा आता था. और वो फिल्म का जो एसेंस है, अगर वो ऑफ कैमरा है तभी वो ऑन कैमरा ट्रांसलेट होगा. तो जैसे इशिता ने कहा कि अगर हम यू नो दिल से काम कर रहे हैं, खुशी खुशी काम कर रहे हैं, तो वही प्यार आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा. No, I think it was fabulous working with both of them, and not because role ho raha hai camera. Honestly, I had a blast. Humne Dubai mein shoot kiya hai. We have also shot in Bombay, and I really enjoyed it. Mujhe bahut maza aaya. I think both these guys are really very hardworking. That is something I learned from them. Ki wo apne character ko leke bahut you know they really worked on it, research kiya unhone, and kabhi kabhi takes mil jaate the, but they would still want to do more because they wanted to give a better shot. So I think that was really nice. So I learned that from them. Never stop, you know, keep giving your best. Of course, yes. He's seen it, he's really excited to see it because again my character is very different and I have always played something, a girl who's very simple, sweet, achi, innocent, and this is not like that, this is very very different. So I have not seen the film, honestly. I think I'll be watching it very soon with him. No problem. So, सब साथ में देखेंगे. सर उससे पहले भी देख लेंगे. उससे पहले भी देखेंगे. Okay, तो ओमपुरी जी की ये last film थी and उसके साथ में आप सभी ने काम किया, तो कैसा रहा experience इनके साथ, अगर आप लोग कुछ share करना चाहें. सर बहुत अच्छा experience रहा. I think I was really lucky and fortunate कि मैं अपनी पहली फिल्म में ऐसे दिग्गज के साथ काम कर रहा हूँ. और सिर्फ काम नहीं कर रहा, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उनके साथ ऑफ सेट भी. और इट वाज नॉट थ्रू मी, ये मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद, मुझे अभी भी याद है मेरा पहला दिन शूट का उनके साथ, आई वाज वेरी नर्वस, इनफैक्ट डरा हुआ था कि यू नो ओमपुरी जी के साथ है. आई वाज डूइंग थ्रू माई लाइन्स अगेन एंड अगेन. मैं सेट पर आधा घंटा जल्दी पहुँच गया, अच्छे से लाइन्स याद कर रहा हूँ, सर के साथ बैठ रहा हूँ, उनके साथ रिहर्स कर रहा हूँ विद माई डायरेक्टर सर. सडनली एन एडी ही वाज सेइंग कि ओमपुरी सर वॉन्ट्स टू मीट यू. तो जब मैं उनसे मिला पहली बार उनकी वैन में, तो द फर्स्ट थिंग ही सेड टू मी, और पुत्र की हालचाल. तो यू नो आई थिंक ही स्पोक टू माय डायरेक्टर एंड ही गॉट टू नो दैट आई एम अ पंजाबी. सो मुझसे पूरा यू नो उसी पंजाबी डायलेक्ट में बात कर रहे थे, पुत्र पुत्र करके मुझसे बात कर रहे थे. सो कहने का मतलब यह कि जो उन्होंने वार्म्थ और अपनापन दिखाया, वो मेरे को बहुत, उस चीज़ में मेरे को बहुत हेल्प किया. यू नो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल वाइल शूटिंग विद हिम, और उन्हें ये सब करने की कोई नीड नहीं है. आई थिंक ही ओनली डेड ताकि एक तो उनका नेचर ऐसा है, और कि हमारे जो सीन साथ में हो, तो ये नहीं कि आप ये कर रहे हो मैं ये कर रहा हूँ, हम दोनों जब साथ में उसको मिलजुल के करेंगे, तो वो यू नो ही ऑलवेज यूज टू अप्रोच अ सीन एज अ सीन, नॉट जस्ट कि मेरी लाइंस क्या उनकी लाइंस क्या है, ताकि पूरा सीन निखर के आए, पूरा सीन उभर के आए. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यार. यू नो तब आज तक मैं उनका फ़ैन था कि वो बहुत अच्छे एक्टर है, बट उनसे मिलने के बाद वो बहुत अच्छे इंसान है. और अभी बात करते करते यू नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उनके बारे में पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं कि वो ऐसे थे ऐसे थे. आई रियली विश कि वो हम सबके साथ यहाँ होते. इनफैक्ट उनकी खुद की ये विश थी कि यू नो आप सब नए लोगों को फिल्म है, जब ये फिल्म रिलीज होगी मैं आप सबके साथ आऊँगा, फिल्म को प्रमोट करूँगा, आई विल मेक श्योर यू नो पीपल कम एंड वॉच द फिल्म बिकॉज यू गाइज हैव एक्चुअली यू नो वर्क सो हार्ड ऑन दिस वन. सो आई थो विल फॉर एवर चेरिश द मेमरीज ऑफ वर्किंग विद ओमपुरी सर ऑन प्रोबेबली हिज लास्ट फिल्म एंड माई फर्स्ट फिल्म. सो या I think I'm very lucky to be a part of a film where he was there, but unfortunately I didn't have any scenes with him. But meri mulaqat hui unse on the sets. They were shooting for a chroma scene, I think in Malad, and wo 5-10 minutes I interacted with him. And yes, he's not with us today, but I think I'm lucky that I was at least a part of that film. These guys got to work. Yes, I had a scene or two with him, aur mujhe bhi bahut maza aaya unke saath kaam karke. Aur jaisa ki Samar ne kaha, बहुत कुछ सीखने को मिला. हम लोग नए आर्टिस्ट हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं. और मुझे आज तक याद है एक वाक्य, मैं ना सीन के पहले काफ़ी थोड़ा जोन आउट करने की मेरी आदत है, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो अपने में था. तो आया, उन्होंने ईयरफोन उठाया, क्या कर रहा है? बस भाई टेकन अ बैक कि आप सर, मतलब यू नो वॉट, हाँ लाइक क्या सोच रहा है? मैं कुछ नहीं सीन के बारे में, लाइक यहाँ रहे, बी इन द मोमेंट, यूर इन द मोमेंट, यूर रिलैक्सड,
And when you're relaxed, you're listening, that means you're reacting. So these are very basic things that an actor should know. But when you come to the shot in front of the camera, you think that I have to do this, I have to say this, I have to keep my hands here. So you're so self-absorbed that maybe you forget your world in which world you are. So they said that you just listen to me, I'm saying. If you listen, then everything will be yourself. I will feel good, you will feel good. The scene will come out and the scene will come out. So he reinstated this, and in every theatre shop, be relaxed. And I don't think I've ever seen a person who's as relaxed as Om Puri Saab on a set. Exactly. Yeah, great. Chalye, 10th of August ko Lashtam Pashtam aa rahi hai, to kya kuch kehna chahenge aap log apne fans ke liye? Bas yehi kahenge, humne bahut mehnat se, bahut shiddat se ye picture banayi hai aur timing bahut perfect hai. Friendship Day aur Independence Day ke beech mein aa rahi hai. It's a film about love and friendship, mm-hmm. backdrop of India Pakistan. It's patriotic, mind you, not overly patriotic or jingoistic. Mm-hmm. ब्रदरहुड है तो आई मीन सोने पे सुहागा है तो यू नो अगर आपको अपना फ्रेंडशिप डे और इंडिपेंडेंस डे बेहतर बनाना है तो देयर इज नो बेटर वे देन टू वॉच लश्तम पश्तम यस आई थिंक ही सेड इट ऑल गाइस लश्तम पश्तम रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ अगस्त प्लीज गो एंड वॉच विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट सर फैंस पहले बनने तो दो सर फिल्म के जरिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं वैसे कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार से बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत से ये फिल्म बनाई है आप प्लीज़ जाके देखिए आप बहुत रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म से अगर आपने किसी को कभी किसी को सच्चा दोस्त माना है सच्ची दोस्ती करी है या सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है यू कैन रिलेट टू इट यू विल टेक समथिंग बैक फ्रॉम द फिल्म एंड या यू कैन डेफिनेटली नॉट इग्नोर दिस फिल्म यू विल लव इट और आई होप नॉट हेट इट बट यू विल टेक समथिंग अ लॉट बैक फ्रॉम इट सो गाइस प्लीज 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 गो एंड वॉच दिस फिल्म 10th of August गाइस लास्टम पश्चम रिमेंबर डोंट फॉरगेट गो एंड वॉच जाना जरूर चलिए थैंक यू जी थैंक यू शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू